हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट स्टाइल की दही पूरी चाट, जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप इसी तरीके से मेरे नए नए वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दही पूरी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी पूरी ली है, भी बोल सकते हैं। तो इसे मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाई है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दही पूरी बनाने के लिए मुझे यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने ली है सॉल्टेड बूंदी, और यहाँ पर मैंने काला चना लिया है, जिसे मैंने रात भर सोख करके रखा हुआ था और इसे बॉईल कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर बारीक नमकीन ली है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। और इसी के साथ में मैंने ग्रीन चटनी ली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये ग्रीन चटनी कैसे बनाई है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैं ले रही हूँ इमली की चटनी, तो इसे भी आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और मैंने यहाँ पर लिया है अनारदाना और कच्चा प्याज। तो ये सारी चीज़ें हमारी दही पूरी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली है। तो चलिए पहले हम आलू का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉयल आलू से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। और इसी के साथ में मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप भी घर पर दही पूरी आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलुओं को मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो अब हम दही पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल गप्पों को इस तरीके से बीच में से तोड़ लिया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, तो सारी पूरियों में मैं थोड़ा थोड़ा आलू डाल दूंगी, और इसी के साथ में मैं इनमें कच्चा प्याज डाल दूंगी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी इनके अंदर डालनी हैं। तो दही पूरी बनाते टाइम आप इन सब चीज़ों को यूज़ में लें, क्योंकि इनके बिना दही पूरी अच्छे से बनकर रेडी नहीं होगी, मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आएगा। और स्पेशली दही पूरी में आपको ग्रीन चटनी और जो इमली की चटनी है वो तो ज़रूर बनानी होगी, क्योंकि वही हमारी दही पूरी को जो मार्केट जैसा टेस्ट आता है वैसा टेस्ट देती है। तो दोनों चटनियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं दही पूरी में। तो अब मैं इसमें बूंदी डाल दूंगी, तो थोड़ी थोड़ी सब में डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बूंदी डालने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला चना। आप चाहें तो चने की जगह मूंग भी डाल सकते हैं। मूंग को आप रात भर भिगो कर रख दीजिए और बॉईल कर लीजिए, तो ये आपकी टेस्ट के ऊपर है। अगर आपको मूंग पसंद है तो आप मूंग भी डाल सकते हैं, या फिर चना भी डाल सकते हैं। तो चना डाल दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चटनी, तो यहाँ पर मैं हरी चटनी डालूंगी इसमें। तो आप हरी चटनी उतनी ही ऐड करें जितना आपको स्पाइसी पसंद हो। तो चटनी डाल दी है मैंने सब पूरियों में। अब मैं इसके बाद में इसमें अनार के दाने ऐड कर रही हूँ, तो दो दो तीन तीन दाने डाल दीजिए अनार के। तो दही डालने से पहले मैं थोड़ी सी इमली की चटनी डाल रही हूँ इसमें। तो थोड़ी थोड़ी चटनी सभी पूरियों में स्टार्टिंग में आप डाल दें। इसके बाद में जब हम इसमें दही डालेंगे उसके बाद भी हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी मेन इंग्रेडिएंट दही। जैसा कि इस रेसिपी का नाम है दही पूरी, तो दही इस रेसिपी की जान है। यही हमारी जो दही पूरी है उन्हें बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। तो मैं यहाँ पर सारी पूरियों में दही डाल दूंगी। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए डाल दीजिए, ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी इमली की चटनी, और दही के बाद में इमली की चटनी भी मेन रोल प्ले करती है इस रेसिपी में, क्योंकि इमली की चटनी ही बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट देती है हमारी दही पूरियों को। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको इसके ऊपर डालना है। इसी के साथ में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जीरा पाउडर, तो सबके ऊपर अच्छे से हम डाल देंगे। और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, तो चाट मसाला भी हमें बहुत कम डालना है, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो बस थोड़ा थोड़ा ही डालें। तो ये सब मसाले डालने के बाद में अब मैं इसके ऊपर एक बार और दही ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए सबके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी डाल दूंगी, तो इस तरीके से रैंडमली डाल दें, ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर लगे। और वापस से हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल चटनी डालेंगे। तो इस तरीके से हमें दो तीन बार ये डालना है, इससे हमारी जो दही पूरी है उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट में, एकदम चटकारेदार ये बनकर रेडी होंगी।
तो ये हो जाने के बाद में अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बारीक नमकीन। तो बारीक नमकीन डालने से जो हमारी दही पूरी है उसका टेस्ट भी बढ़ता है और वो देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम मार्केट जैसी फीलिंग आ जाती है इसे देखकर। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अनारदाना डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मार्केट जैसी दही पूरी बनकर रेडी हुई है। आपने अगर मार्केट में खाया हो तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्लेट रेडी कर कर देते हैं। तो देखा ना फ्रेंड्स, कितनी आसानी से दही पूरी हमारी घर पर बनकर रेडी हो गई है और एकदम हाइजीनिक तरीके से ये बनकर रेडी हुई है। आपको कोई टेंशन नहीं है कि आप इसे बच्चों को खिलाएं या ना खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, आप खाएं, बड़ों को खिलाएं, एकदम मज़ेदार चटपटी चटकारेदार आपकी जो दही पूरी है वो बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके के नए नए वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ में, और मिलते हैं मेरे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।